हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम टू सोलो ट्रैव पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मैं दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ भारत की राजधानी दिल्ली से हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य के तालों के शहर कहे जाने वाले स्थान नैनीताल हिल स्टेशन। दिल्ली से नैनीताल आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट कैसे पहुँच सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस समय मैं हूं दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी पे। सबसे पहले आपको यहां की जानकारी देने वाला हूं और उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। चलते आगे, दिखाता हूं आपको। ये आप देख रहे हैं आनंद विहार आईएसबीटी। इस समय मैं खड़ा हूँ जहाँ पे आपकी उत्तराखंड रोडवेज की बसेस मिलेंगी। ये आप सामने देख रहे हैं 148 काउंटर नंबर, यहीं पर आपका उत्तराखंड रोडवेज का इंक्वायरी काउंटर। और ये सारी बसेस खड़ी है जो की जाएगी आपकी पिथौरागढ़, रानीखेत, टनकपुर, अल्मोड़ा, कैची धाम, ये देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ से नेपाल की बसेस मिल जाएंगी और लखनऊ यूपी वेस्ट की और अपना बदायूं, कानपुर, ये देख रहे हैं सारी बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जहाँ पे भी आपको जाना आप इनसे अपना सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम दिल्ली से नैनीताल कैसे पहुँच सकते हैं। नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट 70 किलोमीटर्स दूर पंतनगर है, जिसका कोड है PGH। पंतनगर एयरपोर्ट से आपको नैनीताल पहुँचने में करीब 2 घंटे लगेंगे, जिसमें आप टैक्सी और बस की सहायता ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है आपका बाय रोड का। दिल्ली से नैनीताल जो है वो अराउंड 300 किलोमीटर है। अगर आप खुद ड्राइव करके जाने वाले हैं या टैक्सी से जाने वाले हैं तो आपको लगने वाले अराउंड 6 आवर्स। और उसके अलावा अगर आपको बसेस से जाना है तो दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी से नैनीताल के लिए एक डायरेक्ट बस है रात को 10 बजे, जो कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे तक आपको नैनीताल उतार देगी। उसके फेयर की बात करें तो वो रहने वाला आपका 535 रुपीज़। अगर वो बस आपकी छूट जाती या उसमें सीट नहीं मिलती है, भीड़ होती है, तो आप दिल्ली से हल्द्वानी निकल जाइए और हल्द्वानी से आपको कंटिन्यू बसेस मिल जाएंगी, शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी और साथ ही साथ प्राइवेट बसेस भी आपको मिल जाएंगी। दिल्ली से हल्द्वानी के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कंटिन्यू बस सर्विस है, जिसमें आपकी यूपी रोडवेज़ की बसेज़ हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड रोडवेज़ की बसेज़ हैं। यूपी रोडवेज़ की फेयर की बात करें तो वो रहने वाला आपका अराउंड 480 रुपीज़। और उत्तराखंड रोडवेज़ में आपको 3 तरह की बसेज मिल जाएंगी। पहली है आपकी AC वोल्वो, जिसका फेयर रहेगा आपका 950 रुपीज़, 950 रुपये। दूसरी है आपकी AC चंद्रत, जिसका फेयर रहने वाला आपका 620 रुपीज़। और थर्ड है ऑर्डिनरी बसेस, जिसका फेयर रहेगा आपका 450 रुपीज़। जिस अकॉर्डिंग आपका बजट है आप हल्द्वानी निकल सकते हैं, नहीं तो रात को आप यहां से बसेस पकड़ के नैनीताल की ओर चल सकते हैं। तो यहां पर उत्तराखंड रोडवेज़ का इंक्वायरी काउंटर है, वो आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ आपको कहाँ से बसेस मिलने वाली है, टाइमिंग क्या है, वो सब आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं 148 नंबर काउंटर है, ठीक उसी के नीचे आप ये देख रहे हैं उत्तराखंड रोडवेज़ का अपना इंक्वायरी काउंटर है। यहाँ पर आके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके, UTC की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आप अपना ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं वोल्वो बसेस का और ऑर्डिनरी बसेस का, और ऑन द स्पॉट भी आपको टिकट मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ बसेस खड़ी हुई हैं सारी की सारी, और रात को यहाँ से ज़्यादातर उत्तराखंड की और बसेस निकलती हैं और अर्ली मॉर्निंग। देखिए तो दिल्ली से नैनीताल के लिए कौन कौन सी बसेस चलती है, टाइमिंग क्या है, कहाँ पे आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, कौन से काउंटर से मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस ब्लॉग में दे दिया है। इस सफ़र को करने वाला हूँ मैं दिल्ली से नैनीताल का बाय ट्रेन से, और ट्रेन की इन्फॉर्मेशन मैं सारी देने वाला आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच कर। चलते आगे, दिखा दो आपको। ये आप देख रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, एकदम चकमगाती हुई लाल कलर की बिल्डिंग ये देख रहे आप। तो मैं पहुंच चुका हूं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहां पर पहुंचने के लिए इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, उसके गेट नंबर 3 से आप बाहर एग्जिट करेंगे और आपको स्टेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चलकर दिल्ली से नैनीताल आप बाय ट्रेन कैसे पहुँच सकते हैं उसकी सारी डिटेल देता हूँ। चलते आगे, दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं दिल्ली जंक्शन, समुद्र तल से 218.76 मीटर ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम दिल्ली से नैनीताल ट्रेन से कैसे पहुंच सकते हैं। नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर दूर काठगोदाम है, जिसका कोड है KGM। और दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है हल्द्वानी, जिसका कोड है HDW। दिल्ली से काठगोदाम के लिए डेली 3 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें आपकी शताब्दी है और मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, जिनमें आपको सेकेंड क्लास, चेयर क्लास, अपना थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC, जनरल, हर तरह के कोचेस मिल जाएंगे, जिनको आप अपना IRCTC पे अपने बजट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन करा सकते हैं। जिस ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा हूँ
उस ट्रेन का नंबर है 15013। ट्रेन का नाम है रानीखेत एक्सप्रेस। ये आपका जैसलमेर से चलकर काठगोदाम के लिए चलती है। ये आपको दिल्ली के 3 स्टेशन पर मिल जाएगी। पहला है दिल्ली कैंट, जिसका कोड है DEE, वहाँ पर मिलेगी आपको 8:20 पर। दूसरा आपका दिल्ली सराय रोहिला, जिसका कोड है DEE, वहाँ पर मिलेगी आपको 8:40 और थर्ड है आपका पुरानी दिल्ली, जिसका कोड है DLI, यहाँ पर मिलेगी आपको रात को 9:50 पर। और करीब 7 घंटे जर्नी करने के बाद ये अगले दिन सुबह आपको काठगोदाम, जिसका कोड है KGM, सुबह 5:05 पर उतार देगी। इसमें आपको जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC, हर तरह के आपको इसमें कोचेस मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें काठगोदाम तक जाना है तो इसमें जनरल का फेयर रहेगा आपका 105, और अगर आपको हल्द्वानी तक जाना है तो आपके लगेंगे मात्र 100 रुपये। बेस्ट रहेगा कि आप हल्द्वानी तक जाए। हल्द्वानी से ही आपका जो है बसेस, शेयरिंग टैक्सी जो है नैनीताल के लिए बनकर चलती है, तो वहाँ पे आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाएंगी और अपने मन के अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाएंगी। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं दिल्ली से नैनीताल का। तो ये खड़ी अपनी ट्रेन रानीखेत एक्सप्रेस, जो कि जाने वाली है अपना दिल्ली से काठगोदाम हल्द्वानी की ओर। ट्रेन का नंबर है 15013। ये मिलेगी आपको प्लेटफॉर्म नंबर 11 से, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको कुछ कोचेस जो है अपना मुरादाबाद पे कट जाते हैं, जो कि अपना रामनगर की ओर चले जाते हैं, तो कोच देख कर बैठिएगा। ये आप देख रहे हैं काठगोदाम जैसलमेर 15013 15014, रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम जैसलमेर। ये देखिए रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम जैसलमेर। तो सुबह के बज रहे 5 और मैं पहुंच चुका हूं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बाहर ही है हल्द्वानी बस स्टैंड, जहां से आपको नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कैची धाम सब जगह के लिए बसेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगी, शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी। यहां से जो है आपको अपनी मन पसंदीदा सीट मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अपना उतर कर यहीं से अपना बसेस, टैक्सी, जिससे आप जाना चाहे यहाँ से अपना जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काठगोदाम जाते हैं तो काठगोदाम हल्द्वानी से 5 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ से भी आपको वही बसेस मिलेंगी जो कि हल्द्वानी से बनकर चल रही हैं। तो आप बेस्ट रहेगा कि आप हल्द्वानी उतर जाएँ और यहीं से अपना बसेस और टैक्सी पकड़ लें। और फ्रेश होने की बात करें तो आपको हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आपको फ्रेश होने के लिए छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है, जहाँ पे 10 रुपीज़ पर आवर लेते हैं। वहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं, और थोड़ी देर आराम करना चाहे तो आराम कर सकते हैं, और उसके बाद अपने आगे की यात्रा पर निकल सकते हैं। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको हल्द्वानी बस स्टैंड की ओर, और वहाँ चल के आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, कौन कौन सी बसेस यहाँ से चलने वाली है, टाइमिंग क्या है, फेयर क्या है, सब बताने वाला हूँ। चलते आगे। तो ये आप देख रहे हैं हल्द्वानी बस स्टैंड के बाहर कई सारी प्राइवेट बसेस खड़ी हैं, जो कि आपका पहाड़ों की ओर जा रही है। साथ ही साथ आप अंदर से जाके अपना ये सामने देख रहे हैं रोडवेज बस स्टैंड, अंदर से जाके आपको उत्तराखंड रोडवेज और अपना UP रोडवेज की बसेस मिल जाएंगी, और यहीं से आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, ऑटोज मिल जाएंगे। आगे कई सारी टैक्सीज खड़ी हैं, देख रहे आप। ये आप देख रहे हैं हल्द्वानी बस स्टैंड अंदर से, जहाँ से आपको गवर्नमेंट की बसेस मिल जाएंगी, जहाँ पे भी आपको जाना हो, ये देख रहे हैं। और साथ ही यहाँ से पहाड़ों की ओर जाने के लिए भी आपको बसेस मिल जाएंगी। तो ये देख रहे हैं खड़ी अपनी बस, जो कि जाएगी सीधा नैनीताल की ओर, और इससे आप आराम से अपना नैनीताल की ओर जा सकते हैं। बाकी यहाँ से कई सारी आपको पहाड़ों की ओर जाने के लिए और भी बसेस मिल जाएंगी, और मैदानी क्षेत्र के लिए भी। तो सुबह 5:30 अपनी पहली बस निकल चुकी है नैनीताल के लिए। तो यानी कि जैसे ही आप पहुँचते हैं यहाँ पे, आप 4:30 4:45 तक आप उतरेंगे और बाहर निकलती आपको बस मिल जाएगी नैनीताल के लिए। यह हम हल्द्वानी बस स्टैंड से बाहर निकलते हुए,
लीजिए हम पहुंच गए हैं नैनीताल। देख रहे हैं आप नैनीताल शहर। तो लीजिए मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल बस स्टैंड पे। सामने देख रहे हैं यहीं पर अपने बस ने उतारा है, सारी बसेस यहां पे खड़ी हुई हैं और अगर आप टैक्सी से आते हैं वो भी आपको यहीं पर उतारेंगी। ये देखिए तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल बस स्टैंड पर। हल्द्वानी से नैनीताल के लिए सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कंटिन्यू बस सर्विस है। हर 15 मिनट में आपको बसेस मिल जाएंगी। फेयर की बात करें तो आपका हल्द्वानी से नैनीताल का फेयर लगने वाला 85 रुपीज़। अगर आप काठगोदाम से पकड़ते हैं तो काठगोदाम से आपका नैनीताल का फेयर लगेगा 75 रुपीज़। तो दिल्ली से आप नैनीताल अगर आप हल्द्वानी उतरते हैं तो आपका फेयर लगने वाला टोटल 185 रुपीज़। और अगर आप काठगोदाम से पकड़ते हैं तो आपका लगने वाला है 180 रुपीज़, यानी कि 180-185 रुपये में आप दिल्ली से नैनीताल पहुँच जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे नए नैनीताल बस स्टैंड और काठगोदाम से लेकर नैनीताल तक जो है पूरा हिल एरिया है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कई सारे अल्टीमेट व्यूज़। जहाँ पर अगर आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं या अपना रेंट पे स्कूटी लेकर आ रहे हैं तो आप कई जगह अपना फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको यहाँ का थोड़ा मार्केट दिखाता हूँ और नैनीताल लेक दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे बस स्टैंड ठीक इसके बगल से ही, ये सामने आप बड़ी बड़ी पहाड़ी देख रहे हैं, इसी के पास अपनी नैनीताल लेक, वहाँ ले जाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है नैनीताल लेक का। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ी और बीच में लेक, जहाँ पर आप बोटिंग का लुफ्त उठा सकते हैं। ये देख रहे बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो दिल्ली से नैनीताल आप बाय बस, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं, इस ब्लॉग में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। और कोई आपकी क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।